कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने शेष बचे हैं और ऐसे में उम्मीदवारों का चुनाव को लेकर उत्साहित होना भी स्वाभाविक ही है और जाहिर है कि आने वाले चुनावों में भी यह उम्मीदवार जीत हासिल करने के लिए जनता को लुभाने वाले हैं। अब सवाल तो यह खड़ा होता है कि चुनाव शुरू होने से लेकर जीतने तक और कार्यकाल खत्म होने तक समस्याएं ज्यों की त्यों क्यों बनी रहती हैं। ऐसा क्या कारण है कि चुनाव जीतने के बाद भी यह उम्मीदवार अपने अपने वादों पर खरे नहीं उतरते। जी हाँ, आइए हम आपको ले चलते हैं कुरुक्षेत्र, जहां पर D5 की टीम ने चुनावों से पहले वहां के लोगों से जिले के हालातों का जायजा लिया और जाना कि उनकी उम्मीदों पर उनके सांसद किस हद तक खरे उतरे हैं। हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां अब पूरे जोश पर है। सभी उम्मीदवारों ने इन चुनावों के लिए अपनी अपनी कमर कसना भी शुरू कर दी है, लेकिन फिर भी जिलों की हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है। समस्याएं वहीं की वहीं खड़ी हैं। क्या चुनाव आने पर ही उम्मीदवारों को जनता की समस्याओं के बारे में ध्यान आता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र की, जहाँ लोकसभा चुनाव होने में अब कुछ ही महीनों का समय शेष बचा है। ऐसे में लोकसभा सांसद अपनी उम्मीदों पर कितने खरे उतरे हैं और जनता अपने अपने सांसदों से कितनी खुश है, ये जानने के लिए D5 की टीम गुढ़ा सिविल कोर्ट पहुंची और वहां मौजूद सभी वकीलों और जनता से उनके स्थानीय सांसदों के बारे में पूछा गया। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कहना है इन लोगों का आने वाले लोकसभा चुनावों के बारे में, कि वे किसका साथ देंगे और सांसद राजकुमार सैनी उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाए हैं। तो आज के समय में हमारे क्षेत्र में तो ऐसा माहौल है, शायद लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि हमारा सांसद कौन है, राजकुमार सैनी। अब लगभग उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो अगर विकास की हम बात करें लोकसभा क्षेत्र से, हमारे पास यहाँ पर विकास कार्य कुछ भी नहीं। मेरी तरफ से जो ये सरकार के जो दावे हैं, मैं उनकी पुरजोर विरोध करता हूँ। अब मैं तो यहाँ दिखाई भी नहीं दे, कभी सांसद साहब कभी आते हैं तो ऐसे ही चले जाते हैं, और कभी कोई उनकी जो सांसद निधि है उससे भी कोई कार्य हल्के में दिखाई नहीं दिया। अगर वो फिर से चुनाव मैदान में उतर दे, क्या आप उसको ही वोट देंगे? नहीं जी, हमारा वोट उसको नहीं जाएगा। कोई भी युवा चेहरा अगर कोई आता है सांसद में, तो हम उसका सपोर्ट करेंगे। देखिए, हम तो ज़्यादा कभी मिले भी नहीं, ना कभी कोई ऐसा कोई विकास कार्य करा जिससे हम उसकी प्रशंसा करें, है नहीं? वहीं हमारे सवालों पर सिविल कोर्ट गुला के वकीलों का कहना है कि स्थानीय सांसद राजकुमार सैनी ने गुला हल्का में तो क्या, पूरे कुरुक्षेत्र लोकसभा में विकास कार्य नहीं करवाए हैं। स्थानीय सांसद ने सिर्फ जातिवाद फैलाने का काम किया है, जिसका खामियाजा सैनी को आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कहना है वकीलों का इस पर। सांसद के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि राजकुमार जी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि जिससे हम उसको सांसद भी मान सके, क्योंकि उन्होंने पूरे 5 साल में एक बार भी संसद में 9 के 9 हलकों के बारे में या पूरे कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के बारे में किसी भी विकास के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई, ना ही कोई उनकी प्रेजेंटेशन रही है लोकसभा में, और ना ही उन्होंने किसी भी हलके में जाकर देखा है कि किस हलके में क्या हो रहा है, सड़कों में क्या हाल है, बिजली का क्या हाल है, लोगों को क्या दिखते हैं। राजकुमार सैनी ने एक बार भी पूरे कुरुक्षेत्र लोकसभा की सुध ना ली है। इसके विपरीत उन्होंने पूरे हरियाणा को जलाने का काम किया है और जाति के आधार पर बांटने का काम किया है। इसके सिवा राजकुमार सैनी ने दूसरा कोई काम नहीं किया। और जो राजकुमार सैनी है, जो भारत की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य हैं और जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं था, वो मोदी जी के पहचान और लहर, बीजेपी की लहर में उनको MP बना दिया। लोगों ने इस विश्वास और उम्मीद के साथ बनाया था कि वो लोगों की उम्मीद पर खरा उतरेगा, वो विकास कार्य करवाएगा। ड्यूटी ये बनती थी कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी लेकर आए, अच्छे अच्छे कॉलेज लेकर आए, मेडिकल का कोई इंस्टीट्यूट लेकर आए और हॉस्पिटल अच्छे हो कर आए, पर कोई भी विकास कार्य सैनी साहब ने नहीं किया। यदि किया है तो सिर्फ उसने समाज को 2 जगह बांट दिया, जाट और नॉन जाट। कुछ वकीलों ने कहा कि इस बार कुरुक्षेत्र लोकसभा के पूर्व सांसद नवीन जिंदल के कार्यकाल को भी 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन वह आज तक दिखाई नहीं दिए और गुल्हा के वकील उन्हें भी नकार रहे हैं। वकीलों का कहना है कि इस बार नए चेहरे को सामने आना चाहिए।
ऐसा होना चाहिए कि इस बार सांसद कोई और दूसरा बने। बिल्कुल, ये तो बनेगा ही नहीं, सिर्फ एक बरादरी के अलावा और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये? सिर्फ एक बरादरी के सिर पे कोई भी एमपी एमएलए नहीं बन सकता और ना ही कुछ कर सकता है और ना ही लोग एट लार्ज पसंद करते। हमने तो आज तक उसकी शक्ल तक नहीं देखी, काम तो क्या उसने करने थे, काम के बारे में तो है ही नहीं, बिल्कुल जीरो है। हाँ, ये जाति पाति का जहर जरूर घोल दिया उसने। लोकसभा पे जहाँ तक सैनी की बात है ना, ऐसा एमपी तो हमने आज तक नहीं देखा जो जात बरादरी के नाम पर जो एमपी की ग्रांट है वो भी देता है। यही नहीं, अब आम जनता से भी इस बारे में राय ली गई तो उनका कहना है कि पूर्व सांसद नवीन जिंदल 4 सालों से यहाँ नहीं आए और मौजूदा सांसद राजकुमार सैनी ने सिवाय विवाद के कुछ नहीं किया, जिसके कारण आने वाले लोकसभा चुनावों में नवीन जिंदल और राजकुमार सैनी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या कहना है आम जनता का अपने सांसदों के बारे में। आप चाहते हो कि इस बार सांसद कोई और दूसरा बने? हाँ जी, हमारा यही है कि ये तो कभी कांग्रेस का बनता है, जैसे नवीन जिंदल जी हैं वो भी नहीं आए यहाँ पे पिछले, और ना ही उनके यहाँ पे कोई भी युवाओं की कोई भी उन्होंने रोजगार नहीं दिलवाया, कोई भी भागीदारी नहीं उनकी सुनिश्चित करवाई। तो जो आपकी बार जो भी सांसद आएगा यहाँ से, मतलब लोकसभा से, जो युवाओं की भागीदारी सरकार में सुनिश्चित करेगा और हमें रोजगार मुहैया करवाएगा, हम उनका साथ देंगे। तो हमने यहाँ भी कई और साथियों की राय ली है कि सांसद नवीन जिंदल है वो भी पिछले 4 साल से यहाँ नहीं दिखाई दिए, तो उसके बारे में क्या कहना है? सर, वो आने वाले टाइम में 2019 का चुनाव डिसाइड करेगी, जनता डिसाइड करेगी। तो मैं पूर्व जोर विरोध करता हूँ सांसद का, ऐसा सांसद हमें नहीं चाहिए जो एक बार बनने के बाद जनता के बीच में आकर की भी दुख सुख की भी खबर नहीं ले। ये बात तो सच है कि जब चुनाव का समय आता है तो हर कोई जनता को लुभाने की कोशिश करता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद न जाने हमारे ही चुने हुए उम्मीदवार कहां गायब हो जाते हैं। अब देखना ये होगा कि इस बार कुरुक्षेत्र की नाराज जनता किसे अपना कीमती वोट देकर जीत दिलाती है या फिर किसी नए चेहरे को आजमाएगी। गोला चीका से कैमरामैन सुरेश कुमार के साथ शमशेर सिंह की रिपोर्ट।